नमस्कार दोस्तों, सब लोग को जिन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी कैंडिडेट का बीएसएफ के तरफ से नई भर्ती जो आई है दोस्तों, उसका फॉर्म को फिलअप क्यों, अगर आप लोग अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किए हो तो अभी भी आपके पास टाइम बचा है। कब से कब तक दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्म है लगातार एक महीना आप लोग को टाइमिंग मिला था, और ये जो फॉर्म लास्ट डेट का बात कर लेते हैं तो दोस्तों, जुलाई का 8 तारीख तक आप लोग ये फॉर्म को भर सकते हो। रात 12 बजे से पहले आप लोग अगर 8 तारीख का भर लेते हो तो आप आराम से ये फॉर्म को भर पाओगे। लेकिन एक चीज़ आप लोग बता देते हैं दोस्तों, कोई भी चीज़ आपको लास्ट टाइम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके पास अभी 2, 3, 4, 5, 6, 7 तारीख तक क्या होगा कि आप लोग का साइट पूरा सर्वर पूरा जाम हो जाएगा। अभी भी बीच बीच में सर्वर जाम हो रहा है दोस्तों। तो अभी आपके पास टाइम है, अगर आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तो आराम से ये फॉर्म को भर पाओगे। तो अगर आप लोग अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हो तो बिल्कुल फॉर्म को भर दीजिएगा। आप ऑल इंडिया ओवर से कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर आप 10+2 अगर पास किए हो तो आप ये फॉर्म को आसानी से भर सकते हो दोस्तों। कोई भी स्ट्रीम से हो, अगर साइंस कॉमर्स कोई भी, अगर आप 10+2 की हो कोई भी सब्जेक्ट से, तो आराम से ये फॉर्म को आप भर सकते हो। तो आप लोग फॉर्म को भर ही दीजिएगा। बाकी एक चीज़ आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आएगा इसके बाद, ये वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम देख चुके होंगे तो, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, हाइट क्या लगेगा, वेट क्या लगेगा, और हाइट के अनुसार आपका वेट कितना होना चाहिए, सारा मैंने एक डिटेल के साथ एक वीडियो बनाए थे दोस्तों। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन मेरा लिंक है, वो वीडियो को देख लीजिएगा। सारा आपको प्रोसेस के बारे में बता चुके कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा। ये दोस्तों, ये जो वीडियो है दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके फिजिकल के बारे में, क्योंकि दोस्तों जब से दोस्तों ये जो फॉर्म आया उसी टाइम से दोस्तों आप लोग का एक अपडेट दे दिया गया कि आप लोग का फिजिकल का किसका कहाँ पर फिजिकल होगा, कौन सा स्टेट का कहाँ पर फिजिकल होगा, ये आपको पूरा डिटेल के साथ दे दिया गया दोस्तों। झारखंड का कहाँ पर होगा, यूपी का कहाँ का होगा, एमपी का कहाँ पर होगा, बिहार का कहाँ पे होगा, वेस्ट बंगाल का कहाँ पे होगा, सारा लिस्ट आप लोग का निकल चुका दोस्तों, समझ लीजिए। तो आप लोग का कंफ्यूज है कि भैया आप कितना टाइम मिल सकता है जो बीएसएफ का नई भर्ती है, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल होने वाला, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह बाद में आप लोग का, लेकिन फिजिकल होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग टाइपिंग वगैरह है, उसके बाद एग्जाम वगैरह कुछ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों सिलेबस के बारे में तो बता चुके हैं, अगर आप सिलेबस के बारे में अगर जानना चाहते तो चलिए सिलेबस के बारे में भी थोड़ा सा अटैच कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग के लिए गुड न्यूज है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल का तैयारी कर रहे हो या तैयारी करना चाह रहे हो दोस्तों, और मार्केट में बेस्ट बुक ढूंढो, जैसे तो मार्केट में आपको बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल में अगर आपको वर्दी लेना तो दोस्तों आप लोग का तक्षु प्रकाशन की तरफ से एक बुक आई है, जिससे आप लोग अच्छे और बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस बुक का हम लोग खासियत के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप ये बुक को परचेज करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो बुक है दोस्तों, सबसे पहले आपको 100% गारंटी देता है कि आप ये बुक सफलता प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको 2300+ आप लोग का बहुविकल्प प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आप बुक को आप लोग मंगवा लीजिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। और दोस्तों ये जो बुक है दोस्तों आप लोग को अमेजॉन फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहाँ पर जाके आप ये बुक को परचेज भी कर सकते हो दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल का दोस्तों आप लोग का कॉम्बो पैक भी आता है। तो दोस्तों कॉम्बो पैक को अगर आप ले लेते हो तो आपके तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा दोस्तों। तो ये कॉम्बो पैक आप लोग ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। तो देखिए आपको यहाँ पर 5000+ आपको प्रश्न आपको आधारित आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा, और 100% गारंटी है दोस्तों, अगर आप ये बुक्स अगर आप पढ़ के अगर आप बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल का तैयारी करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ज़्यादा देर मत कीजिए, आप ये बुक को मंगवा लीजिएगा दोस्तों, अमेजन और फ्लिपकार्ट में आप लोगों का देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप वहाँ पर जाके ये बुक को मंगा सकते हो दोस्तों। बात कर लेते कि बीएसएफ का जो नई भर्ती है ये जुलाई है दोस्तों, तो क्या जुलाई में इसका लास्ट तक इसका फिजिकल का कुछ अपडेट आने का संभावना है? तो आप लोग बता देते हैं, देखिए ये मंथ तो बिल्कुल आप लोग का रिजेक्शन वगैरह होगा, बहुत सारा फॉर्म ऐसा भी होगा कि गलत वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई अपलोड करता है तो वो लोग का एडमिट कार्ड नहीं आता है दोस्तों। तो सारा कुछ अभी चेक होगा, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा आप लोग का टाइम लगेगा। ये जुलाई है, अगस्त का लास्ट तक हो सकता है कि इसका फिजिकल का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। और अभी देखिए दोस्तों एक अपडेट आ रहा है SSCGD का, तो SSCGD का जब तक सभी जितना भी सेंटर है दोस्तों सभी सेंटर पूरा फुल रहेगा,
तो मेरे हिसाब से देखिए जितना भी बहुत सारा यूट्यूबर आपको बता रहा है कि जुलाई का लास्ट तक इसका फिजिकल हो जाएगा बीएसएफ का, तो बिल्कुल ये गलत बता रहा है। अभी आप लोग का बीएसएफ का दोस्तों बाद में एग्जाम का प्रोसेस होगा, रनिंग का प्रोसेस अभी बाद में होगा, अभी आपके पास अभी 1.5 से 2 महीना आपका टाइम है। तो इसका रनिंग वगैरह तो आप लोग मालूम है, 1600 मीटर बॉयज़ के लिए 6 मिनट 6.5 मिनट टाइमिंग आप लोगों को मिलेगा, गर्ल्स के लिए 400 मीटर का आप लोगों का टाइमिंग है 4.5 मिनट का करीब में आप लोगों को दिया गया। तो बिल्कुल आप लोगों का देखिए अभी टाइमिंग है, बहुत सारे लोग आप लोगों का कॉमेंट आ रहा था कि भैया जो बीएसएफ का नई भर्ती है उसका कब तक इसका फिजिकल हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट बीएसएफ का तैयारी करना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हॉस्टल गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल फैसिलिटी है, तो आप यहाँ पर आइए और हमारे साथ जुड़िए, आपको 100% की फिजिकल का यहाँ पर गारंटी लिया जाता। और दोस्तों यहाँ पर यूपी एमपी बिहार बंगाल बहुत दूर दूर से बचाया और इससे पहले भी बहुत सारा रिजल्ट भी यहाँ से दे चुके हैं, तो 100% की फिजिकल के लिए आपको टेंशन नहीं लेना होगा। बीएसएफ का अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। कुछ अपडेट बताइए भैया। तो देखिए आप लोग का फिजिकल, बहुत लोग ऐसे उल्टा पुल्टा आपको कुछ भी वीडियो बना के आपको गुमराह कर देते हैं कभी कभी बस। तो देखिए आप लोग ज़्यादा दिमाग टेंशन लगाना कोई ज़रूरत नहीं है, इस सब आप लोग वीडियो बनाने वाला तो वो व्यू का चक्कर में कुछ चंद लोग ही होता, नहीं तो बाकी लोग तो आपको सही इन्फॉर्मेशन देते ही है जो जिसको जानकारी है। तो देखिए आप लोग का अभी फिलहाल देखिए एक चीज़ बता रहे, अभी आप लोग का फिजिकल नहीं होने वाला बीएसएफ का, जब तक एसएससी जीडी का फिजिकल नहीं हो जाता तब तक आप लोग का फिजिकल नहीं होगा। हालांकि आप लोग का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आ रहा है कि भैया देखिए ये सारा शेड्यूल भी जारी हो चुका है कहाँ पर किसका फिजिकल होगा, तो देखिए ये सब कोई बात नहीं, वो अपना आसानी के लिए आपको पहले बता दिया ताकि आपको मालूम चल सके कि मेरा सेंटर जो होगा सामने होगा और आप फॉर्म को भर पाए। दोस्तों आप लोग का बता देगा कि बीएसएफ का फॉर्म आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, अगर आपको मालूम चलेगा कि असम में आपका दौड़ होने वाला, मतलब दूर दूर आप लोग का मालूम चलेगा कि भाई बहुत दूर देता है तो ये फॉर्म को नहीं अप्लाई करेंगे, इसलिए आपको पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि देखिए आपका आसपास में फिजिकल होने वाला, ये आप लोग को अपडेट कर दिया गया है दोस्तों समझ लीजिए। तो एक तरह का बहुत अच्छा है दोस्तों कि आप लोग को मालूम चल गया कि फिजिकल आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, अनदर स्टेट आपको जाना नहीं पड़ेगा, अपना स्टेट पर आप लोग का फिजिकल होने वाला, इससे आपको मालूम चल रहा है। तो अभी तक अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं किए तो बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और दोस्तों एक चीज़ आप लोग बताना चाहेंगे कि आप लोग का बहुत ज़्यादा गलत होने लगा, बहुत लोग मेरे को स्क्रीनशॉट करके भेज रहे थे कि भैया फॉर्म भरते टाइम अगर मेरा मम्मी का नाम पापा का नाम अगर डेट ऑफ बर्थ अगर किस गलती हुआ तो क्या मेरे को फिजिकल में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ बता देते आप लोग थोड़ा सा सावधानी से आप लोग का कुछ भी फॉर्म वगैरह जो भी अप्लाई करते हैं, जो अभी अप्लाई नहीं किए वो लोग थोड़ा सा आराम से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। बाकी देखिए जो लोग गलती कर दिए हैं वो लोग को एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। तो आपको देखिए आपको बार बार हर एक वीडियो पे हम बताते हैं कि देखो जब भी कुछ भी काम कीजिएगा ना थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करो भाई। बहुत लोग क्या करते हैं कि कैफे जाते हैं, कैफे वाले जो होते हैं बहुत हड़बड़ा जाते हैं और वो कुछ भी आप देख लेते हैं भर देते हैं, आपको वो आपको भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ये सब जब भी काम करोगे ना फॉर्म फिलअप वगैरह तो 10 बार आप देख लो भाई, क्योंकि हल्का सा मिस्टेक होगा तो आपको बहुत सारा आप लोग का दिक्कत होने वाला है समझ लो, समझ लास्ट स्टेज तक आप लोग का ये वो करो वो करो वो करो लास्ट में आपको रिजेक्ट भी कर सकता है। इसलिए आपको देखिए छोटा छोटा चीज़ों की वजह से आप लोग अगर फॉर्म की वजह से रिजेक्ट हो जा रहे हो तो यह आपका गलती है, तो फॉर्म वगैरह गलती मत कीजिएगा। और एक चीज़ बता रहे हैं, जब भी आप लोग फॉर्म वगैरह कीजिएगा सिग्नेचर वगैरह क्या करते हैं बहुत लोग, अपना नाम का मान लीजिए मेरा नाम अमित है, ये अपना ए लिखे उसके बाद ऐसे घिस घास के ऐसे पार कर दिए, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। अभी आप टीचर नहीं बने, अभी एक स्टूडेंट हो, इसलिए आप अपना जो नाम लिखोगे थोड़ा सा सही ढंग से लिखना सिग्नेचर वगैरह। ये सब वजह से बहुत सारा फॉर्म रिजेक्ट होता है भाई, ऐसे हम खुद देखे हैं, इसलिए आपको बता रहे जब भी करोगे थोड़ा सा अपना माइंड लगा कर काम करो। अभी आपके पास एक स्टूडेंट लाइफ झेल रहे हो तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, कोई भी अगर कुछ आपको बताता हो बिल्कुल सही बताता तो आप उस चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। और फोटो वगैरह क्या करते हैं बहुत लोग चश्मा पहन के फ़ोटो दे देते हैं, बहुत लोग टोपी पहन के दे देते हैं, मतलब अगर आप टेकला वगैरह कुछ भी हो तो टोपी वगैरह भी मत पहनना, और बैकग्राउंड आप लोग रेड हरा ब्लू जो मन से आपको करता है वो दे देता है, ब्लू चलेगा लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह सही से डालना, कोई सेल्फी वाला फ़ोटो दे देता तो वो सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देके आप लोग जितना केबी का फोटो और जितना केबी का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला गया सारा आप लोग दे दीजिएगा। बाकी दोस्तों आप लोग जो सर्टिफिकेट वगैरह जो अभी अपलोड जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सेंट्रल लेवल का जो भी आपको मांगा गया सारा आप लोग वहाँ पर दे दीजिएगा।
हालांकि देखिए बहुत लोग सेंट्रल लेवल का आप लोग सर्टिफिकेट नहीं डाल रहे हैं, उसमें भी देखिए आप लोग क्या होता है, आप लोग का अपडेट मिल जाएगा। अभी एक सेपरेट से मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, क्या कि क्या दिक्कत हो सकता है या नहीं दिक्कत हो सकता उसके बारे में बता दूंगा। और आप लोग एक बार कॉमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो, एक बार जरूर कॉमेंट करके बताइएगा ताकि हम भी जान सके कि मेरा वीडियो कहाँ कद तक जाता। और देखिए आप लोग ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी फिजिकल में आप लोग टाइम है, वो जितना लोग आप लोग SSC GD का आप लोग तैयारी करो बिल्कुल अपना तैयारी पे लगे रहो। बाकी देखिए ये जो आप लोग रनिंग है दोस्तों ग्राउंड पे ही होने वाला है, जितना भी सेंटर है ना, जितना भी सेंटर आपको बनाया गया सेंटर के अंदर पे होने वाला, कहीं रोड रनिंग ये भी हो सकता। तो 1600 मीटर का देखिए मेरे हिसाब से ग्राउंड में ही आप लोग का होगा। और देखिए ये अगस्त तक आप लोग इसका रनिंग होगा, जुलाई अगस्त का लास्ट है, देखिए इसका हो सकता है कि अपडेट आएगा। फिलहाल आप लोग का SSC GD का अभी तो एक महीना लगातार आप लोग का फिजिकल चलेगा, उसके बाद ही इसका कुछ अपडेट आ सकता है दोस्तों। तो आई होप आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि भैया इसी मंथ में आप लोग का BSF का फिजिकल ले लिया जाएगा क्या, बहुत लोग इस तरह से वीडियो भी बना रहे हैं तो आप लोग अकबका जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं भी जो भी आपको अपडेट देता हूँ बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एक छोटा सा जानकारी आप लोग को मिल गया होगा। चलिए बाकी अगर आप लोग जो लोग अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किए फॉर्म को फिलअप कर देना 8 तारीख से पहले ही भाई, ये मत सोचना कि 8 तारीख को ही हम फॉर्म को फिलअप करेंगे तो बहुत लोग फॉर्म को फिलअप भी नहीं कर पाओगे। 6 तारीख 5 तारीख 4 तारीख तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर ही देना भाई। बाकी चलिए जो भी अपडेट आएगा BSF के रिगार्डिंग या ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी वैकेंसी आएगा आपका भाई का चैनल पे मिलते रहेगा। सभी लोगों को जय हिंद और आप सभी लोगों को मेरे तरफ से जोहार। जोहार बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा लेकिन झारखंड में होता है दोस्तों, जोहार का मतलब प्रणाम।